पब्लिक टीवी आपकी आवाज। विगत दो वर्षों से मुरादाबाद में युवा कवियों और कवियत्रियों को मंच प्रदान करते हुए अल्फाज के कदम बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसी के चलते युवा प्रतिभाओं को लगातार आगे बढ़ाने के लिए अल्फाज द्वारा दीनदयाल नगर स्थित के रेस्टोरेंट में 8वें ओपन माइक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंडी चौक स्थित महेश कुमार एंड सन्स के मालिक और वरिष्ठ उद्योग व्यापार मंडल मंत्री अमित गुप्ता ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और कलाकारों को सम्मान स्वरूप उनकी प्रस्तुति के लिए उन्हें नगद इनाम देकर सर्टिफिकेट और मेडल देकर हौसला अफजाई की। कार्यक्रम के दौरान कई युवा कलाकारों ने अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अल्फाज की संस्थापिका अभिव्यक्ति सिन्हा, संचालन राघव गुप्ता, मैनेजमेंट अमर सक्सेना द्वारा किया गया। पार्क से दूर अब स्नैपचैट पे होता है और आंखों से नहीं व्हाट्सएप से नया रिश्ता बन रहा है। आप जाने असल में हो आप कितने भी अकेले पर सोशल मीडिया पे लाइक्स की भरमार है। कभी तो मन में सवालों का बौछार है पर क्या करें, मैं तो पहले बोला था ये दौर की कमाल है। थैंक यू सो मच। आज हमने सिल्वर स्पून रेस्टोरेंट में अल्फाज के 8वें ओपन माइक कार्यक्रम का आयोजन किया है। अच्छा, क्या उद्देश्य रहता है कार्यक्रम का? अल्फाज एक ऐसा मंच है जहाँ पे हर उस युवा साथी को हम एक ऐसा मंच देते हैं जहाँ पे वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकते हैं। अल्फाज में आप अपनी स्वलिखित रचनाएं, कविताएं, शायरी, शेरो शायरी, गजल, इन सब चीज़ों को दुनिया के सामने, सबके सामने रख सकते हैं। अच्छा, इसका कार्यक्रम कब से कर रहे हैं? अल्फाज 2019 से हमने मुरादाबाद में स्टार्ट किया था। उसका हमारा पीछे ये कारण था कि हमारे जो पास मुरादाबाद में साहित्य तो बहुत है, बड़े बड़े साहित्यकार भी मुरादाबाद से जन्मे हैं, लेकिन उनके पास ऐसा मंच नहीं होता। हमें अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए बाहर बड़ी शहरों में जाना पड़ता है, जिसके लिए हमने मुरादाबाद में अल्फाज को स्टार्ट किया। क्या सोचा हमने जो अल्फाज ही ऐसा नाम दिया है? अल्फाज के नाम से ही सब समझ में आता है। अल्फाज की टैगलाइन है शब्द आपके मंच हमारा, कि आपके पास जो भी ऐसे शब्द हैं जिनके जो आप सबके सामने रखना चाहते हैं उसके थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है जो युवा साथी होते हैं वो लिखते हैं या उनके मन में ऐसे विचार होते हैं बट वो किसी से कहते नहीं है और उसको लेके गलत राह पे चले जाते हैं। कहाँ तक पहुँचाने की उम्मीद है इन अल्फाजों को? अल्फाज हमारा जहाँ तक बढ़ रहा है, हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है अल्फाज को लेके। पिछले 2 सालों में अल्फाज के साथ 500 से ज्यादा कलाकार जुड़ चुके हैं। अलग अलग शहरों से लोग आते हैं, परफॉर्म करते हैं और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। कोई बड़ा प्रोग्राम कराने की तैयारी चल रही है? जी बिल्कुल, अल्फाज का आने वाले टाइम में एक बड़ा प्रोग्राम होने वाला है इसी साल में। सितंबर में अल्फाज की 30वीं एनिवर्सरी है जिसमें हम लोग बड़ा प्रोग्राम करेंगे, उसके लिए मैं आपको वहीं पे बताना चाहूंगी। ठीक है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।